फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डेली वोकैब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी डॉट कॉम। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय वोकैब 24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पोस्ट लॉन्चिंग ऑफर के बारे में, जहां अर्ली 2000 स्टूडेंट्स को मिलेगा 25% ऑफ अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं POST25। और यहां आपके सामने तीन पैकेजेस है फ्रेंड्स, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए। और फ्रेंड्स, इनके अंदर जो कंटेंट है वो सभी में बिल्कुल सेम है। तो फ्रेंड्स, अभी इसे ऑर्डर करिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। wifistudy.com/OTS टाइप करेंगे तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। साथ में SSC के लिए आपको wifistudy.com/SSC टाइप करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप पेन ड्राइव में चाहते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ऐड करके आप इसे पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं और कहीं भी कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। स्टंट अपना पहला वर्ड है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टंट आपने दो तरीके से सुना होगा। ओके, पहला तो आपने सुना होगा कि जो स्टंट मैन होते हैं, जो स्टंट करते हैं, कोई कारनामा करते हैं वो, और जो दूसरा वाला है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर में यही वाला पूछते हैं। देखते हैं इसका मतलब। प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग प्रॉपरली, विकसित होने से रोक देना। तो कोई भी चीज को डेवलप होने से रोकना, उसको हिंडर करना, रिस्ट्रिक्ट करना, उसको अपन बोलते हैं स्टंट करना। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। इनहिबिट, इंपीड, हैम्पर, हिंडर, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर हैमस्ट्रिंग। ओके, तो यहां पे आपके लिए इंपीड वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आता है। देखते हैं इसके एंटोनिम्स। असिस्ट, एंकरेज, एक्सपीडाइट या फिर फैसिलिटेट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द पर्पस ऑफ द बैरियर इज टू स्टंट एंट्री इनटू द म्यूजियम टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग एट द एग्जिबिट्स। यानी कि जो पर्पस था बैरियर का वो रोक देना था एंट्री को, जो कि म्यूजियम के अंदर ओवरक्राउडिंग ना हो एग्जिबिट के टाइम पे। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, स्टंट, स्टंटेड एंड स्टंटेड। और देखते हैं इसके ट्रिक। ऐसे स्टंट करोगे तो कोई आपको स्टंट नहीं कर पाएगा। तो देखिए, अगर ये एक बाइक रेसर है और बाइक रेसिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहता है और अगर ये ऐसे स्टंट कर रहा है तो क्या कोई इसे रोक पाएगा? इसे कोई स्टंट नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इन दोनों ही वर्ड को रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, कि अगर ऐसे स्टंट करोगे तो कोई आपको स्टंट नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई आपका डेवलपमेंट है वो कोई भी रोक नहीं पाएगा। ओके, इस तरीके से अपन इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, बट्रेस। बट्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, मजबूत बनाना। तो किसी चीज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको मजबूत बनाने को अपन कहते हैं बट्रेस। सिनोनिम देखिए, स्ट्रेंथन, रेनफोर्स, फोर्टिफाई, सपोर्ट, प्रॉप अप, बोल्स्टर अप या फिर अंडरपिन। और एंटोनिम्स है कर्टेल, डिक्रीज, डिस्ट्रॉय, डिमिनिश या फिर हॉल्ट। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बोल्स्टर आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज को मजबूत बनाने को कहते हैं। साथ में अंडरपिन भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका नॉर्मली लोग नेगेटिव मीनिंग निकालते हैं लेकिन इसका पॉजिटिव है। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बिकॉज समवन हैज डिजाइन द वॉल्स विदाउट अ प्रॉपर बट्रस, द होल बिल्डिंग कोलैप्स विद इन अ ईयर आफ्टर इट वॉज बिल्ड। यानी कि जो जिसने भी ये डिजाइन किया था, वॉल को बनाया था, वो उसमें प्रॉपर मजबूती उसने नहीं दी, इसीलिए जो ये बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई, गिर गई एक ही साल बाद जब ये बनी थी। अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, बट्रस, बट्रस्ड एंड बट्रस। और उसके रिलेटेड वर्ड है बट्रस, यानी कि समथिंग दैट गिव सपोर्ट, ब्रिक और स्टोन स्ट्रक्चर बिल्ड अगेंस्ट अनदर स्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए, बटर खाओगे तो बट्रस हो जाओगे। ओके, तो देखिए, बटर अगर अपन खाएंगे तो बट्रस हो जाएंगे, ऑब्वियस है। ओके, जो थोड़े से लीन बॉडी जिनकी होती है उनको कहा जाता है कि आप बटर खाइए। बटर खाएंगे तो थोड़ा फैट इंक्रीज होगा, फैट इंक्रीज होगा तो आप बॉडी को थोड़ा अच्छे से शेप दे पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं कि बटर खाओगे तो बटरस हो जाओगे, बटरस यानी कि मजबूत बन जाओगे, स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। इसीलिए बटर को अपन बटरस वर्ड से रिलेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। अब कभी भी लाइफ में अगर आपके ये वर्ड पेपर में कभी भी आ गया तो आप इसका मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे। ओके, बटर और बटरस देखिए दोनों कितने सिमिलर से वर्ड है। देखते हैं नेक्स्ट, होलिस्टिकली। ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब है एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द होल एंड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स पार्ट, समग्र रूप से। तो कोई भी चीज जो कि अपन सबको मिला के कहते हैं, किसी को ऑल टुगेदर कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि ओवरऑल तो बात यह है, तो इसका मतलब होलिस्टिकली बात यह है। देखते हैं इसके सिनोनिम्स, ओवरऑल, एग्रीगेटली, ऑल टुगेदर, एंटायरली या फिर टोटली। और इसके एंटोनिम्स है पार्टली या फिर माइन्यूटली। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इंक्लूड्स हर्ब्स एंड विटामिन्स दैट विल इंप्रूव द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ माय बॉडी। यानी कि जो ओवरऑल ट्रीटमेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था मुझे, उसमें हर्ब्स थे, विटामिन्स थे, जिससे मेरी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो ओवरऑल इंप्रूव हो गई। अब इसके रिलेटेड वर्ड देखिए, होलिस्टिक यानी कि वही मतलब है, फोकस्ड ऑन द होल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग एंड नॉट जस्ट वन ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट। यानी कि पूरे किसी चीज के ऊपर ध्यान देना, ना कि किसी के सिंगल एक पार्ट के ऊपर ध्यान देना। अब देखते हैं इसके ट्रिक।
होली की इम्पोर्टेंस होलिस्टिकली समझाते हैं बच्चों को। तो देखिए, होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है अपना, और जैसे ही बच्चे अपने घर में बड़े होते हैं तो अपन उनको होली की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। ओके, कैसे समझाते हैं? होलिस्टिकली समझाते हैं, यानी कि पूरी ओवरऑल बताते हैं उनको कि होली का मतलब क्या है। ओके, होली क्यों खेली जाती है, होली की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं कि होली की इंपॉर्टेंस होलिस्टिकली समझाते हैं बच्चों को। तो होली वर्ड देखिए दो बार आ रहा है, होली तो अपना एक फेस्टिवल है ही, और यहाँ पे भी होली आ रहा है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि अपन ओवरऑल बच्चों को इंपॉर्टेंस समझाते हैं, यानी कि होली की इंपॉर्टेंस होलिस्टिकली समझाते हैं बच्चों को, यानी कि ओवरऑल। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्क्रम्बल। स्क्रम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब है स्ट्रगल और कम्पीट विद अदर्स फॉर समथिंग, संघर्ष करना। तो किसी के साथ कम्पीट करना, किसी के साथ में स्ट्रगल करना, ओके, टसल करना, संघर्ष करना, उसको अपन स्क्रम्बल कहते हैं। देखते हैं सिनोनिम्स, जॉस्टल, स्क्रूफल, स्क्रिम्पेज, टसल, बैटल, स्ट्रगल, स्ट्राइव, कम्पीट या कंटेंट या फिर वाय। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ये वर्ड काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, कंटेंट और वाय। और इसके देखते हैं एग्जाम्पल, ड्यू टू द डिमोनिटाइजेशन पीपल वर स्क्रम्बल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब डिमोनिटाइजेशन हुआ तो लोगों ने को संघर्ष करना पड़ा एक थोड़े से टाइम के लिए। अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, स्क्रम्बल, स्क्रम्बल्ड एंड स्क्रम्बल्ड, और रिलेटेड वर्ड क्या है, स्क्रम्बल यानी कि डिफिकल्ट और हर्ड, क्लम्बर अप और ओवर समथिंग। और ओरिजिन कहाँ से फ्रेंड्स, डायलेक्ट वर्ड है कि स्क्रम्बल, वहां से इसका मतलब निकला है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, देखिए कितनी आसान ट्रिक है। आइसक्रीम के लिए बच्चे स्क्रम्बल करते हैं, तो देखिए आइसक्रीम और स्क्रम्बल, ओके, क्रीम, क्रम्बल, देखिए कितने सिमिलर से वर्ड है, क्रीम और क्रम्बल। तो देखा होगा आपने हमेशा, एक अगर एक आइसक्रीम दो बच्चों को दे दोगे तो दोनों बच्चे लड़ने लग जाएंगे, यानी कि स्क्रम्बल करने लग जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप क्रीम को स्क्रम्बल से रिलेट करके इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने दोस्त के साथ में कभी भी कोई स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसे कम्पीट कर रहे हो, तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। ओके, कि आइसक्रीम के लिए बच्चे स्क्रम्बल करते हैं, स्क्रम्बल यानी कि संघर्ष करते हैं। फुट होल्ड, फुट होल्ड एक नाउन है जिसका मतलब है ए सिक्योर पोजिशन फ्रॉम विच फर्दर प्रोग्रेस मे बी मेड, आधार। तो किसी भी आधार के ऊपर जब आप फर्दर प्रोग्रेस करते हो उसको अपन फुट होल्ड कहते हैं। सिनोनिम देखिए, बेस, फाउंडेशन, बेसिस, बेडरॉक या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड। और नाउ लेट्स द एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू गेट ए फुट होल्ड इन द इकोनॉमिक मार्केट व्हेन इकोनॉमी इज अंडर द क्राइसिस, यानी कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है फुट होल्ड, आधार बनाना इकोनॉमिक मार्केट के अंदर, जब इकोनॉमी बहुत ही क्राइसिस के अंदर हो। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। पुलिस ने इन्हें फुटस्टेप के फुटहोल्ड पर अरेस्ट किया है। तो देखिए ये क्रिमिनल एक, और पुलिस ने क्या किया है, इनको इनके फुटस्टेप, जैसे कि एक शॉप में चोरी हुई है तो वहां पे किसी ना किसी के फुटस्टेप तो गए होंगे, ओके, जाते वक्त और आते वक्त। तो पुलिस ने क्या किया है, फुटस्टेप के आधार पर यानी कि फुटहोल्ड पर क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए फुट स्टैप को फुट होल्ड से लेट करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें इनके फुट स्टैप के फुट होल्ड पर अरेस्ट किया है, यानी कि इनके आधार पर अरेस्ट किया है। तो फुट स्टैप और फुट होल्ड, इस तरीके से अपन इसको लेट करके इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिफ्यूट। रिफ्यूट एक वर्ब है जिसका मतलब है प्रूव टू बी फॉल्स और इनकरेक्ट, असत्य ठहराना या फिर खंडन करना। तो किसी भी चीज को असत्य ठहराना, उसको गलत बताना, उसको अपन रिफ्यूट कहते हैं। सरन देखिए, डिसअफिम, डिसअलाउ, डिसअवो, डिसक्लेम, डिसकन्फर्म, निगेट, डिनाय, रिजेक्ट या फिर रेप्यूडिएट। ओके, यहाँ पे आपके लिए निगेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स, एक्नॉलेज, एडमिट, अलाउ, अवाउ, कंसीड या फिर कंफर्म। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, इफ वन कैन फाइंड द फैक्ट्स इट इज वेरी इजी फॉर वन टू रिफ्यूट लाइज, यानी कि अगर कोई एक फैक्ट को पता कर ले तो ये बहुत आसान हो जाता है दूसरी बात को रिफ्यूट करना, यानी कि असत्य ठहराना। अब देखिए इसकी वर्ब फॉर्म्स, रिफ्यूट, रिफ्यूटेड एंड रिफ्यूटेड, और इसके रिलेटेड वर्ड क्या है, रिफ्यूटेशन यानी कि खंडन करना। ओके, असत्य ठहराना, ओरिजिन लैटिन वर्ड से रिफ्यूटेयर्स है जिसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को गलत बताना। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए रिफ्यूज कर दिया मतलब रिफ्यूट कर दिया। तो देखिए रिफ्यूज और रिफ्यूट ऑलरेडी कितने दोनों कॉमन से वर्ड हैं और सिमिलर से वर्ड हैं। ओके, तो रिफ्यूज कर दिया मतलब रिफ्यूट कर दिया, तो रिफ्यूज और रिफ्यूट वैसे ही दोनों कितने सिमिलर से वर्ड हैं और दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, स्वे। स्वे का मतलब एक तो आपने लहराना भी सुना होगा कभी, ओके, लेकिन अपना जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो ये नहीं है जो कि पेपर में पूछते हैं, ये होता है कंट्रोल करना या फिर इन्फ्लुएंस करना किसी पर्सन को, किसी या फिर कोर्स ऑफ एक्शन को। देखिए प्रभाव या फिर प्रभुता, इसको अपन स्वे कहते हैं। सिनोनिम देखिए, इन्फ्लुएंस, अफेक्ट, डोमिनेशन या फिर सुप्रीमेसी। Now let's see the example. India was under Britain's sway for several decades during colonial times. यानी कि जो इंडिया था वो ब्रिटेन के प्रभाव में था कई डेकेड तक कॉलोनियल टाइम के टाइम पे।
अब इसके वर्ब फॉर्म देखिए, स्वे स्वे एंड स्वेड, रिलेटेड वर्ड क्या है, स्वे यानी कि हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। सहवाग का स्वे बहुत खतरनाक था बॉलर्स को, तो सहवाग और स्वे देखिए कितने आसान से वर्ड हैं। ओके, सहवाग को अपन स्वे से लेट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है वीरेंद्र सहवाग का स्वे कितना खतरनाक था बॉलर्स के ऊपर। ओके, तो यानी कि इनका प्रभाव बहुत ही खतरनाक था किसके ऊपर, बॉलर्स के ऊपर। तो सहवाग को अपन स्वे से लेट कर रहे हैं, सहवाग स्वे, देखिए वैसे ही बहुत कॉमन से वर्ड है और ये आपको पता भी है कि सहवाग का कैसा था डोमिनेशन। तो इस तरीके से आप सहवाग को स्वे से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टॉपल। टॉपल का मतलब है कॉज टू ओवर बैलेंस एंड फॉल, गिर पड़ना। सिनोनिम देखिए, फॉल, टंबल, ओवर टर्न, प्लमेट, ओवर बैलेंस, और एंटोनिम्स है होल्ड, राइज या फिर एस्केंड। ओके, तो यहाँ पे आपके टंबल भी इंपॉर्टेंट है, प्लमेट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, दो वर्ड बहुत पेपर में आते हैं, एग्जाम्पल द अर्थक्वेक टॉपल द बिल्डिंग, यानी कि अर्थक्वेक ने गिरा दी बिल्डिंग को, और वह फॉर्म से टॉपल, टॉपल्ड एंड टॉपल्ड। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, पतंग उड़ाते हुए टॉप से टॉपल हो गए, तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, अपन जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊपर वाली छत से उड़ाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि लोग गिर जाते हैं नीचे। ओके, तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि पतंग उड़ाते हुए क्या हुए, टॉप से टॉपल हो गए, यानी कि टॉप से नीचे गिर गए। तो देखिए, टॉप और टॉपल दोनों कितने सिमिलर वर्ड हैं, अगर कोई टॉपल होगा तो वो टॉप से ही होगा, तो दोनों ही इस तरीके से लेट करके अपन इसे याद कर सकते हैं। और अपना नेक्स्ट वर्ड है ludicrous, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सो फुलिश, अनरीजनेबल और पुट ऑफ प्लेस एज टू बी अम्यूजिंग, बेडंगा, बेतुका, हास्यास्पद या फिर निरंसार, यानी कि जो बहुत ही ridiculous होता है, फुलिश होता है, उसको अपन ludicrous कहते हैं। सिनोनिम देखिए, एब्सर्ड, रिडिकुलस, फार्सिकल, फुलिश, idiotic, stupid या फिर asinine, और antonyms है reasonable, wise या फिर logical। और यहाँ पे जो important है वो ये सब word बहुत important है आपके लिए। ओके, ये तो अपन ने word अपन ने कल ही cover up किया है, ready होके आई हो, ridiculous लग रही है ये। ओके, ये अपन ने इसकी trick बनाई थी, ठीक है, तो ये word आपको ध्यान रखना है। absurd भी important है वैसे। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ बिलियनेयर इज क्वाइट ludicrous, स्पेशली वन ही इज ऑफन सीन टू बी स्कीविंग ऑफ वर्क। ओके, यानी कि जो मेरे दोस्त का ड्रीम है बिलियनियर बनने का, वो बहुत ही ज्यादा हास्यपदक है क्योंकि वो हमेशा काम को स्किप करने में लगा रहता है। रिलेटेड वर्ड देखिए, ludicrously, यानी कि इन अ वे दैट इज सो फुलिश, अनरीजनेबल और आउट ऑफ प्लेस एज टू बी अम्यूजिंग, ओरिजिन लैटिन वर्ड से ludicrous से। अब देखते हैं इसके ट्रिक, देखिए इतना बड़ा हो गया फिर भी लूडो खेल रहा है, ludicrous है। ओके, तो ये तो इनका तो समझ में आता है, ओके, ये लूडो खेल सकते हैं, लेकिन ये देखिए इतने बड़े हो गए अभी लूडो खेल रहे हैं तो कैसा है, बहुत ही ludicrous है। ओके, यानी कि बहुत ही हास्यपदक बात है, अच्छी बात है ये इनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और लेकिन अपन याद करने के तौर पे इसको सिर्फ याद देख रहे हैं। ओके, इसको अपन को सीरियसली नहीं लेना है कि इतने बड़े हो गए फिर भी लूडो खेल रहे हैं तो कैसे है, ludicrous है। ओके, यानी कि बहुत ही हास्यपदक ये चीज है, तो इस तरीके से अपन इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड अपना सोबर। सोबर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सीरियस, सेंसिबल एंड सोलमन, गंभीर, शांत या फिर संयमी, और इसके सिनोनिम्स है सीरियस, सेंसिबल, सोलमन या फिर थॉटफुल, और एंटोनिम्स है इमॉडरेट, इनेब्रिएटेड या फिर इरेशनल। नाउ लेट्स एग्जांपल, अ सोबर पर्सन ऑलवेज शो प्रूडेंस इन हिज एक्शन, यानी कि एक जो सोबर पर्सन होता है वो हमेशा प्रूडेंस दिखाता है अपने एक्शन के अंदर। अब यहाँ पे प्रूडेंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि बहुत केयरफुल हो, बहुत ही विजडम दिखाता हो, ओके, दिमाग हो, उसको अपने प्रूडेंस कहते हैं। रिलेटेड वर्ड देखिए, सोबरली यानी कि गंभीर भाव से। नाउ लेट्स द ट्रिक, देखिए बहुत आसान ट्रिक है, गैरी सोबर बहुत सोबर क्रिकेटर थे, तो ये कौन है फ्रेंड्स, गैरी सोबर है। ओके, बहुत बड़े ऑलराउंडर थे वेस्ट इंडीज के, तो अगर दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर की अगर बात की जाए तो ये गैरी सोबर दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर कहे जाते हैं। ओके, और ये बहुत ही कैसे प्लेयर थे, सोबर प्लेयर थे, सोबर यानी कि बहुत ही गंभीर, शांत, संयमी प्लेयर थे। ओके, तो इस तरीके से अपन इन क्रिकेटर का नाम याद करके इसे हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। ओके, ब्रेंड लेवन जब 400 रन बनाए थे उससे पहले इन्हीं के पास रिकॉर्ड था 375 हाईएस्ट रन बनाने का टेस्ट मैचेस के अंदर। तो इस तरीके से अपन इसके इस नाम से ही इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि गैरी सोबर बहुत सोबर क्रिकेटर थे, सोबर यानी कि बहुत ही संयमी, शांत, गंभीर। ओके, तो फ्रेंड्स ये आज के अपने वोकैब से फ्रेंड्स, और वापस अपन इन्हें रिपीट करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड हैं अपन ने किस तरीके से इन्हें बनाए हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो सके। आज का जो अपना पहला वर्ड था वो अपना वर्ड था स्टंट। स्टंट का मतलब है ऐसे स्टंट करोगे तो कोई आपको स्टंट नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई भी रोक नहीं पाएगा। बटर खाओगे तो बटरस हो जाओगे, यानी कि मजबूत हो जाओगे। होली की इंपॉर्टेंस होलिस्टिकली समझाते हैं बच्चों को, यानी कि संपूर्ण रूप से। आइसक्रीम के लिए बच्चे स्क्रम्बल करते हैं, यानी कि झगड़ा करते हैं। पुलिस ने इनके फुटस्टेप के फुटहोल्ड पर अरेस्ट किया है, तो फुटहोल्ड यानी कि आधार पे। रिफ्यूज कर दिया मतलब रिफ्यूट कर दिया, यानी कि किसी का खंडन करना। सहवाग का स्वे बहुत खतरनाक था बॉलर्स को, यानी कि उनका प्रभाव
पतंग उड़ाते हुए टॉप से टॉपल हो गए, यानी कि ऊपर से गिर गए। इतना बड़ा हो गया फिर भी लूडो खेल रहा है, लुडिक्रेस है, यानी कि बहुत ही हंसने वाली बात है। गैरी सॉबर बहुत सॉबर क्रिकेटर थे, यानी कि बहुत ही सेंसिबल और सीरियस क्रिकेटर थे। ओके और फ्रेंड्स, कल अपन ने क्वेश्चन ऑफ द डे में देखा था स्पार्टन, आपको एक वर्ड दिया गया था जिसका सिनोनिम हमने आपसे पूछा था और जो कि सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। फ्रेंड्स वी आर वेरी हैप्पी विथ इट कि आप ट्राई कर रहे हैं अपना बेस्ट, और ई इसका आंसर है। ओके ई ऑस्टर इसका आंसर है, बाकी सब बहुत ही कॉमन से वर्ड है। और आज का जो अपना वर्ड है क्वेश्चन ऑफ द डे वो है डॉस। ओके तो डॉस अपना वर्ड है, DOUCE डॉस अपना वर्ड है आज का, और आपके सामने चार ऑप्शन है फ्रेंड्स। आई नीड टू गिव द आंसर वाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। फ्रेंड्स आपके सामने एक सिनोनिम है, उसका आपको आंसर देना है, और जो ऑप्शन है वो है सीडेट, एक्साइटेड, डल या फिर हार्मफुल। और फ्रेंड्स देखते हैं ट्रिक बनाओ तो जाने, कल हमने एक वर्ड दिया था फ्रेंड्स रूब्रिक, तो यहाँ पे दो बहुत अच्छी ट्रिक्स आई है फ्रेंड्स जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो प्रिया व्रत सरन जी ने दी है, रब का रूब्रिक रबर और ब्रिक से नहीं मिटता। तो देखिए इन्होंने बहुत अच्छा रब को रूब्रिक से रिलेट किया है। रूब्रिक का मतलब था निर्देश, ओके निर्देश होता है रूब्रिक, तो रब का रूब्रिक रबर और ब्रिक से नहीं मिटता, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। दूसरा भी बहुत अच्छा था कि देखिए ट्रिक थी कि किसी भी प्लेस से रूबरू होने के लिए रूब्रिक मैंडेटरी होता है, तो किसी भी प्लेस से रूबरू होने के लिए रूब्रिक मैंडेटरी होता है, यानी कि निर्देश जो है आपके पास जो आदेश है निर्देश है रूल्स हैं वो बहुत मैंडेटरी होते हैं। तो रूबरू को उन्होंने रूब्रिक से लेट किया है सना माथुर जी ने, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, रूबरू को रूब्रिक से लेट करके भी याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक थी फ्रेंड्स। और आज जो अपना वर्ड है जिनकी आपको ट्रिक बनानी है डोलड्रम। ओके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में बहुत बार आ चुका है, उम्मीद है आगे भी आएगा। एंड फ्रेंड्स यू नीड टू गिव द आंसर वाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज एड ऑन करानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको करने के लिए हमेशा रेडी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे जो कि आपके वोकैब के साथ में बाकी चीजों को भी स्ट्रांग करती रहेगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।